बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको आइसक्रीम सैंडविच बनाना बताती हूँ जो कि हम घर में ही बनाएंगे। तो इसके यहाँ पर मैंने एक बिस्किट का पैकेट ले लिया है, अपनी सभी कंपनी के बिस्किट्स ले लें। यहाँ पर कंडेंस मिल्क है आइसक्रीम बनाने के लिए, व्हिपिंग क्रीम है और ये वैनिला एसेंस है। बस थोड़ी सी चीज़ों से बनता है, तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक पॉट पे ये ले ली है, व्हिपिंग क्रीम ले ली है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं वैनिला एसेंस डालती हूँ। ये करने के बाद इसे व्हिप करते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी क्रीम व्हिप कर ली है। अब यहाँ पर तकरीबन आधी प्यारी जितना आप कंडेंस मिल्क डाल दें, इससे इस आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कंडेंस मिल्क डालने के बाद हम इस क्रीम के साथ कंडेंस मिल्क को कोट कर लेंगे, तो हमारी वैनिला आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। देखिए, इसको इस तरह से आइसक्रीम को इस तरह से कोट कर लें कंडेंस मिल्क में। ये हमारी वैनिला आइसक्रीम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। ये देखिए, इसके बाद ये कोई सी भी इस तरह से ट्रे ले लें। मैंने ये एक कांच की ली है ट्रे, इसमें लेकिन बिस्किट मेरे सेट नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने एक गत्ते की ट्रे लेके और इस पर बटर पेपर लगा लिया। आपके पास कोई सी भी ऐसी स्क्वायर ट्रे हो जिसमें ये आपके बिस्किट इस तरह से फिक्स आ जाए, ये आप ले लें। इस तरह से बिस्किट को इधर फिक्स कर लें। ये देखिए, इस तरह से सारे बिस्किट मैंने उल्टे रख दिए हैं। ये सेट करने के बाद ये जो हमारी आइसक्रीम है वैनिला, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। इसे अच्छे से बिस्किट के ऊपर स्प्रेड कर लें इस तरह से। ये अच्छे से क्रीम स्प्रेड करने के बाद यहाँ पर दोबारा हम इसके ऊपर एक बिस्किट की तह लगा देंगे। ये देखें, ये इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। अब या तो इसे 3 घंटे के लिए रखते हैं, 6 घंटे के लिए, जब तक हमारी आइसक्रीम फ्रीज हो जाती है तब तक इसे फ्रीजर में रखते हैं, और इसके बाद फिर मैं इसे आपको काट के बताती हूँ। ये देखें, हमारी आइसक्रीम सैंडविच ये जम गई है। अब इसके हम पीसेस करते हैं, तो ट्रे को यहाँ पर रखें और इसके पीसेस करके इस तरह से इसके पीसेस कर लें एक एक बिस्किट के, और फिर इसे हम सर्व करते हैं इस तरह से, सबके पीसेस कर लें। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आइसक्रीम सैंडविच बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बना है। इस तरह से आप बच्चों को घर में बना कर दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो यही कि गर्मियों का मौसम है, वैसे भी आइसक्रीम बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं इंस्टाग्राम भी, इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, और इस रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।